Hey guys, today I'm going to make a makeup tutorial video. तो मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो के लिए मैंने अपना मेकअप का सारा सामान ले लिया है, बहुत सारा. तो सबसे पहले अभी मैंने फेस पे लगाया है मॉइस्चराइज़र और लिपस्टिक लगाई थी. एक्चुअली कोई घर पे आए थे तो मैंने सोचा था मैं बनाऊँगी, बट कोई आया तो मुझे थोड़ा सा तैयार होना पड़ा. थोड़ा सा क्या मतलब, लिपस्टिक लगाई है और क्रीम लगाई है. मॉइस्चराइज़र लगाया है मैंने लैक्मे का. तो वैसे लगाया हुआ है पर फिर से मैं अच्छे से नहीं लगाया था उस वक्त मैंने, तो फिर से लगा लेती हूँ मैं. तो गाइज, हमने मॉइस्चराइजर लगाने के बाद ले लिया है कलबा का ये प्राइमर. अब प्राइमर लगाने के लिए हम प्राइमर हाथ में ले लेते हैं और अच्छे से इसको लगा लेते हैं. वो नहीं लगाऊंगी तो उसके बाद लेती हूँ मैं. मेरी फाउंडेशन है शफोरा की, मेरा शेड है आई डोंट नो इस पर, हाँ 28.5 N दिस. और इसके मैं 2 pumps ले रही हूँ फिलहाल, फिर मैं इसको पूरे फेस पे ऐसे फिंगर टिप से फिर से लगा. अब इसको मैं करूँगी ब्लेंड. मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड करूँगी, मुझे ब्रश से ब्लेंड करना इतना. अब मैं फिंगर टिप से ही लगाऊँगी इसको. इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, पहले बहुत ज़रूरत हो गई थी कंसीलिंग की. बाद हम लगाएंगे. हमारा पैलेट मेरा ये टूट चुका है, ये पैक का है आईब्रो पेंसिल, आईब्रो डिफाइनर. तो इसको लगाएंगे हम, ये टूट चुका है मैंने कहा था, तो मैं इसमें लगाऊंगी आज थोड़ा सा ब्राउनिश शेड. तो हल्का हल्का मैंने बताया था ना, मैंने आईब्रोज़ की थी और लिपस्टिक. तो गाइस, सबसे पहले मैं लूँगी ये है के ब्यूटी वाला पैलेट. मैं मिक्स यूज़ करूँगी. तो ये बहुत ही अच्छा पैलेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं डेली रेगुलर जो है, सबसे ज़्यादा रेगुलर मैं ये वाला पैलेट यूज़ करती हूँ जो बिल्कुल ही रेगुलर है. अब करेंगे आई मेकअप. सबसे पहले अच्छे से लगा दूँगी मैं आई शेडोज. तो ब्राउन कलर ले लेते हैं दूसरे पैलेट से. इसमें भी ब्राउन है वैसे, इसका भी ले सकते हैं ऐसे, सेम ही है. तो अभी हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे दोनों आईज में. तो मैं ब्लेंड करके आती हूँ जल्दी से. लिप्स के एंड में लगाऊंगी, आईज के ऐसे शेप दे दूंगी मैं यहाँ पे. वैसे मैंने ना एक मेकअप, अपनी फेवरेट आर्टिस्ट है मेरी, उनसे मैंने एक मेकअप सीखा. अभी ट्राई करूँगी उसको, अरेबिक आईज. आई डोंट नो कैसा बनेगा, मतलब आईज कैसी लगेंगी मेरी, बट मैं ट्राई करूँगी. आई वांट टू ट्राई. मुझे अरेबिक आईज मेकअप भी बड़ा अच्छा लगता है. इतने डिफाइंड आईज बिल्कुल ड्रामेटिक सी होती है. तो देखो ऐसे करके ये किया है मैंने ब्लेंड इसको अच्छे से. और उसके बाद मैं लूँगी ये वाला कलर, पिंक कलर. तो ये ले लिया मैंने इस पर, ये लगाऊंगी मैं पिंक कलर फ्रंट्स पे. और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है अभी. और अब हमने लास्ट नॉट लीस्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाला कलर लगाना है, मेरे फेवरेट है, मैं इसी को लगाती रहती हूँ मोस्टली. तो ये मैंने यहाँ पे लगाना है, हल्का हल्का शिमरी चाहिए मुझे, बहुत ही हल्का शिमरी. तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं आईज में. इसमें नीचे से लाइनर लगा दिया है मैंने, पिंक आई शेडो मतलब, और इसमें नहीं लगाया है तो बहुत फ़र्क पड़ता है. तो हमेशा जब मेकअप करें तो आईज के नीचे भी लगाएं, ऊपर आई शेडो ही ना लगाएं, नीचे से भी उसको कवर करें, तब अच्छा लुक आता है. उसके बाद हम लेंगे कॉन्टूअर पैलेट जो कि है के ब्यूटी का. अगैन मुझे के ब्यूटी के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगे थे. ये कैटरीना कैफ का ब्रांड है, आप ले सकते हैं. तो ये देखिए मैंने ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट, तीनों ही कलर्स यूज़फुल हैं, तीनों ही कलर यूज़ होते हैं कॉन्टूरिंग के लिए. तो मैं वेरी बेसिक सी कॉन्टूरिंग करूँगी. ये है टू फेस्ड का नेचुरल फेस ब्लश पैलेट, और इसमें ब्लश के साथ साथ है
ये शेड्स बहुत बहुत ही प्यारा है ये, इसके लिए तो एक्सट्रीम अच्छा है ये। सबसे पहले इसमें शेड्स इसमें ब्लश भी हैं और हाइलाइटर्स भी हैं और कंटूरिंग और मतलब ब्रॉन्जर भी है, कंटूरिंग है, ब्रॉन्जर है, दो हाइलाइटर्स हैं और दो ब्लशर्स हैं। तो मैं लाइट वाला ब्लश यूज़ करूँगी, ये वाला, ये बहुत डार्क है। तो गाइस मैंने लगा दिया है ब्लश भी, देख सकते हैं आप। ओ तो पास नहीं दिख रहा है ब्लश। अब लगाती हूँ मैं हाइलाइटर। ज़रा ज़रा सा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे दिन में बाहर जाना है। तो आप दोनों आईज़ में फ़र्क देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाली आईज़ और ये वाली आईज़, आई लाइनर और ये देखिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है ये आईज़ में, ये आईज़ में। तो मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया, स्विस ब्यूटी का ही है, लिफ्ट एंड कर्ल वॉल्यूम लैश 4D मस्कारा। तो बहुत अच्छा है, रेकमेंड कर सकती हूँ। जो ना ब्लश था ना, वो आज मैंने यहाँ नहीं लगाया, सिर्फ मतलब आजकल ट्रेंड चल रहा है ना विंटर वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक वैसा वाला लगाया है। तो मुझे अच्छा लगता है ये वाला ब्लश भी, कभी कभी लगाना, मतलब ऐसे करके एक ग्लैम सा मेकअप हुआ थोड़ा ना। आप कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। ये देखिए मेरा आई मेकअप, ये बिल्कुल भी कोई फिल्टर नहीं है इस वक्त और ना ही कोई है।